Nice glasses, bro. ये तो स्नीकिंग करवा रही है, तो कोई शर्म नहीं आती है? स्पाइसी कंटेंट मिल रहा है। पवन, ऐसे तुझे कैसा लग रहा है, प्लीज जरा बताओ। भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डेंजरस वसावी, और जो नए लोग हैं इस चैनल पे, वेलकम उनको भी। तो ये एक ट्रैवल सीरीज होने वाली है मेरी, जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, कसौल और खीर गंगा का। तो इस ट्रिप में मैं पहले अकेले जाने वाला था, बट एट द एंड मोमेंट दिस बंदा वॉज लाइक हम तेरे साथ चलेगा वाला हबीबी। और कुछ बदतमीज लोग भी होते हैं जो हमारे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा तंग और गलत गंदा करने आ जाते हैं, वो ये है। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो बस है वो रात के 11:30 बजे है, तब तक के लिए हम गोइंग टू एंजॉय। और नाइस ग्लासेस ब्रो। हाँ जी, और मेरे को लगता है कि मैंने और इस बंदे ने ना गलत कपड़े पैक कर लिए हैं, और अपना बैग कुछ ज़्यादा ही भर लिया है। हम भी नहीं पता कि ट्रैक कैसे होने वाला है। खीर गंगा ट्रैक इज टफ, इट्स 13 किलोमीटर, 6.5 से 7 घंटे का ट्रैक पूरा दिन। तो कहाँ जाना है? ये तो स्नीकिंग करवा रही है, तो कोई शर्म नहीं आती है? बदतमीज लड़की, लोग क्या बोलेंगे? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फ्रेश हो चुके हैं, खाना खा चुके हैं, रेस्ट कर चुके हैं, एंड अभी हम फिलहाल जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्टूसी, जो पीयू के अंदर, क्या पीयू? स्टूडेंट सेंटर है। एंड सीयू में भाई दोस्त है, तो ऑब्वियसली उनकी जरा खातिरदारी तो हम जरूर लेंगे। तो हम एक्टिवा पे जाने वाले हैं बहुत टाइम बाद। एंड मैं जब से यहाँ पर आना, मेरे को लाइक नॉस्टैल्जिया हो रहा है यार। जब मैं 5 महीने के लिए पंचकुला में था, बिकॉज आई वॉज ऑन ट्रेनिंग। ए चलेगी, चलेगा। बट उससे पहले चंडीगढ़ पे घूमना जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया यहाँ पर। थैंक यू भैया। कहते ना कि लाइक जो सोचते हो वो नहीं होता, आज हो चुके हैं, हमारी बस छूट चुकी है। और अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। शायद हम अपना खुद का ट्रिप बनाने वाले हैं, या कल हम किसी और के साथ जाने वाले हैं। वी डोंट नो नथिंग, क्या पता हम नहीं भी जाने वाले। सो या, हाँ लाइक कुछ भी हो सकता है। एंड हाँ, लाइक रात को 1:30 बज रहे हैं, एंड सी हु सेव मी, आई हैव फ्रेंड्स, गुड वन, शी इज अक्षिता। फॉलो माय पेज लव एट फर्स्ट बाइट। बोलने तो दे, अपनी ना खुद की तारीफ लोग खुद ही कर देंगे ना, मतलब बोलने दूसरे बंदे को मेरा मौका ही नहीं देंगे। तो नाउ वी गोना गो एंड लेट्स सी क्या होता है, आज कल परसों कुछ नहीं पता। पवन, ऐसे तुझे कैसा लग रहा है, प्लीज जरा बताओ।
हेलो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं ऊंची से नहीं बोल पाया था इस वीडियो में बिकॉज पापा ने अभी सो रहा था एंड हमारा ना जाने का रीज़न ये है कि हमारा जो कंपनी थी जिसके थ्रू हमने जाना था, मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में हम जा नहीं पाए। हमें 11:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन फिर हमें फिर से कॉल आता है एंड दे सेड कि 12:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है बस स्टैंड। 12:00 बजे के अराउंड हम पहुंच जाते हैं वहां पर एंड हमें पता लगता है कि 11:30 बजे बस जा चुकी है। मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, मिसकम्युनिकेशन के थ्रू का, बिकॉज इसमें थर्ड पार्टी भी थी, तो आधी क्वेरीज उनके पास थी, आधी किसी और के पास थी, तो ये डिटेल मिसकम्युनिकेशन ये चीज़ हमारे साथ हुई। एंड मैं तभी कंपनी का नाम रिवील नहीं करा बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट, इसमें उनकी गलती भी नहीं थी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि उन्होंने हमें रिफंड दे दिया लास्ट मोमेंट पे। उन्होंने हमें एक ऑप्शन तो दी थी कि आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रैक, कि हम सीधा फर्स्ट डे ही ट्रैक शुरू करते हैं खीरगंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो रूट है, जो ट्रैवल है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम जाते सार ट्रैक शुरू करते हैं वापस आए। एंड अभी हमें कोई आइडिया नहीं कि हम क्या करने वाले हैं, हम शायद आज का प्लान करके निकलेंगे या फिर कल का, या फिर हमारा नेक्स्ट वीकेंड पे चला जाएगा। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जो पैकेजेस बनते हैं वो बनते हैं फ्राइडे से लेकर मंडे तक, एंड अगर हम किसी ग्रुप के साथ जाते हैं तो हमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड अगर हम इंडिविजुअल जाएंगे तो हमें आज बैठ के पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जो दूसरी गलती है वो ये है कि हमने वहाँ की वेदर के हिसाब से कपड़े पैक नहीं करे हैं, ना हमारे पास जैकेट्स है, ना हमारे पास इनर्स है, ना हमारे पास कैप्स है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बस ट्रैकिंग के लिए चले गए, हमने वहाँ पर वेदर भी नहीं देखा कि क्या होने वाला है, तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमने क्या करना है। तो अभी मैं, अक्षिता एंड पवन बैठ के सारी की सारी रूट, स्टे, क्या करना है वहाँ पर, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ट्रैक की सारी डिटेलिंग, सारी की सारी छोटी से छोटी डिटेल अभी हम बैठ के देखेंगे। एंड अगर हम चाहते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है एंड लेट्स सी देखो क्या होता है, इट विल बी अ न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता तो वी विल गो टू गो स्टॉप्स। We are back and so the last जो मेरा शूट था बस स्टैंड का, वो अब फिर से रिकंटिन्यू हो रहा है अब बिकॉज हम रात को गए घर पर पहुँचे। We did all this research again and ये वाला जो ट्रिप होने वाला है कि बिल्कुल सोलो होने वाला है बिकॉज मैं इसमें विदाउट एनी ग्रुप जा रहा हूँ, किसी के अंडर नहीं हूँ मैं। एंड पूरा दिन रिसर्च करने के बाद आई एम गोइंग वेटिंग फॉर द बस। तो फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है, सेकेंड पार्ट नई शुरुआत कल से शुरू करते हैं। आप बस वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, बस अभी बस यहाँ पर आने वाली है एंड बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Peace out.